हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे सो आई होप यू ऑल आर डूइंग आप सब बहुत बढ़िया होंगे जैसे कि आप लोग ने देखा होगा थंबनेल के ऊपर जो टाइटल है वो जबरदस्त है एग्जाम एनालिसिस ऑफ जे ओ बिल्कुल आज हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन के जे में वन यानी 139 क्वेश्चंस पूछे गए ये क्वेश्चंस कैसे रहे क्या इनका लेवल रहा जैसे कि कहा गया था 140 क्वेश्चंस कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे तो वही 139 क्वेश्चन एप्रोक्स देखने को मिले हैं कैसे थे ये क्वेश्चंस लेवल कैसा था पहला क्वेश्चन तो आपके मन में ये आ रहा होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज जिसने अच्छे से पढ़ा वो कहेगा पेपर आसान था जिसने थोड़ा कम पढ़ा होगा या तैयारी अप टू मार्क नहीं होगी उसको टफ भी लग सकता है लेकिन पेपर का लेवल ओवरऑल मॉडरेट था यानी कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान थे कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी थे तो चलिए एक बार कंप्यूटर सेक्शन को एनालाइज करके देखते हैं जिससे कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस कंप्यूटर में सही हुए साथ ही साथ आप हमें अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा मेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपने अगर हमसे कंप्यूटर पढ़ा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं है लुक कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर अराउंड थर्टी नाइन से देखने को मिला था तो पहले पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन के पास ये रहा पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का डेमल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस वैल्यू टेन होती है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर कितनी होंगी टेन होंगी तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का ए टेन इज द्वेशन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ वन जीरो वन जीरो जो कि एक बाइनरी नंबर है इसका डेसीमल नंबर निकाल कितना आसान सा क्वेश्चन है आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर कैसे निकलेगा वन टू फोर एट टू प्लस एट यहां पर करेंगे क्या आ जाएगा टेन सो टेन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्सा डेसिमल नंबर हम जानते हैं हेक्सा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम के केस में जीरो से लेकर नाइन तक ए से लेकर एफ तक ये हमारे करेक्ट जो रेंज होती है वो यही होती है तो यहां पर f के बाद अगर कोई होगा तो वो इनवैलिड होगा तो a से लेकर f तक वैलिड है 15 यानी 10 टू 15 हम बोल सकते हैं तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा जो इनवैलिड है वो क्या है बीई -E जी है क्योंकि एफ के बाद आता है जी जो कि इनवैलिड हो गया नेक्स्ट और ये क्वेश्चन करवा भी चुके हैं हम है ना अगर आपको याद हो तो सेम यही क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन आपको करवाया भी जा चुका है नेक्स्ट अब बाइनरी नंबर कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट हेक्सर डेसिमल नंबर बाई फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप ऑफ हमने आपको बताया था कि ऑक्टल के केस में तीन तीन के ग्रुप्स बनते हैं जबकि हेक्सर के केस में चार चार के ग्रुप बनाए जाते हैं तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा फोर इज दी करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस व्हाट डस एम एस बी binary इन बाइंड्री नंबर सिस्टम एम एस बी का मतलब क्या होता है एम एस बी होता है और एल एस बी होता है और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एम एस बी की फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जबकि एल एस बी की फुल फॉर्म होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो इतनी मेहनत करी है आप लोगों ने इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलना ही है है ना बहुत ही जमकर आप लोगों ने इस बार तैयारी की थी बेसिक से लेकर मॉडरेट से लेकर टफ लेवल तक सारे ही क्वेश्चंस के साथ में आप लोग ने बहुत शानदार तरीके से खेला और पढ़ा जिसका रिजल्ट आपके सामने है व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट अलाइन होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है तो लेफ्ट अलाइनमेंट है डी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट इन एमएस वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट तो सिनोनिम को फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग जानते हैं शिफ्ट के साथ F7 इसकी शॉर्टकट की होती है और ये है आपका जिसका मतलब होता है सिनोनिम नेक्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल वाई शॉर्टकट की बहुत आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जाम में कंट्रोल वाई का यूज क्या होता है एमएस वर्ड में रीडू होता है और कंट्रोल जेड

हमने आपको कई बार बताया है कि रूलर के केस में margin आए, आए आए। या tabbing आए. ये तीनों आपके करेक्ट आंसर बनते हैं तो आंसर क्या है ऑल ऑफ दीज तो आपने इसका बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा मार्जिन इंडेंटेशन और टैबिंग ये सब एक ही बात होती है नेक्स्ट

डैश की थ्री टाइम सिलेक्ट सेंटेंस इन एमएस वर्ड क्या करेंट सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए तीन बार कौन सी की को प्रेस करते हैं तो सेंटेंस सिलेक्ट तो हो जाता है क्लिप बोल्ड एस टेक्सट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड बिना किसी फॉर्मेटिंग के अगर हमें कंटेंट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे पेस्ट स्पेशल करेंगे यानी फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कौन सी तरीके की पेज मार्जिन नहीं होती तो देखो राइट right साइड में मार्जिन होती है टॉप में भी होती है लेफ्ट में भी होती है लेकिन सेंटर में कोई भी मार्जिन नहीं होती तो आंसर क्या है सेंटर ये सारे ही क्वेश्चन हम आपको एज इट इज विद द सेम ऑप्शन करवा चुके हैं राइट नेक्स्ट देखिए देखो कई क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत आसान होते हैं बाद में आसान लगते हैं जिस समय पेपर दे रहे होते हैं उस समय टफ लगने लगते हैं क्योंकि इसी को बोलते हैं एग्जामिनेशन फीवर है ना थोड़ा सा टेंस भी होते हैं हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो आते होते हैं लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं राइट right? ऐसा होता है ना तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है पेज ओरिएंटेशन है दीज आर कॉल्ड एज़ पेज ओरिएंटेशन और बाय डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड एमएस वर्ड में चार तरीके के सेक्शन ब्रेक होते हैं कौन-कौन से होते हैं ऑड पेज इवन पेज कंटीन्यूअस और नेक्स्ट पेज जबकि प्रीवियस पेज ये आपका वैलिड सेक्शन ब्रेक नहीं है ऑड और इवन होता है नेक्स्ट और कंटीन्यूअस होता है नेक्स्ट इन एमएस वर्ड द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट इन मेल मर्ज इज नोन एज बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और इंप्लीमेंट करके भी दिखाया था कि एमएस वर्ड में लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट मेल मर्ज के केस में क्या है डेटा सोर्स है ना दिस इज कॉल्ड डेटा सोर्स विच ट इज दी वाइल्ड कार्ड दैट दैचेज वन और मोर एक्स ऑफ अ पैटर्न इन एमएस वर्ड सर्च एम एस वर्ड में पैटर्न मैच करने के लिए जो वाइल्ड कार्ड करेक्टर है वो क्या है तो आंसर है एस्ट्रिक है डी इज दट इज द शॉर्टकट की मैनुअल लाइन ब्रेक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में भी लाइन ब्रेक पेज ब्रेक या फिर पैराग्राफ ब्रेक है ना इनसे क्वेश्चन बनता है तो लाइन ब्रेक के लिए क्या होगा शिफ्ट प्लस एंटर होगा पेज ब्रेक के लिए पूछा जाता तो कंट्रोल प्लस एंटर होता पैराग्राफ ब्रेक पूछा जाता तो सिर्फ एंटर होता जानते हैं आप लोग नेक्स्ट व्हाट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू मूव बैक टू प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग बुलेट इन एमएस वर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर शिफ्ट के साथ टैब

वट इज द साइज ऑफ ए फोर पेपर शीट हम लोग जानते हैं बाई डिफॉल्ट जो पेपर साइज होता है वो ए फोर होता है और ए फोर की जो साइज है वो कितना है टू वन जीरो मल्टीप्लाई टू नाइन सेवन एम एम दैट इज द्वेशन गाइस अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद सेम स्पीड एंड एक फ्रॉम दिल एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और लगातार काम करता जाता है दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड और कंप्यूटर सिस्टम की इस करेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं आंसर है डिलीजेंस है, बोलते हैं कर्मनिष्ठा बोलते हैं ना कर्मनिष्ठ है कर्मनिष्ठा है इसकी तो दैट इज वॉट वी कॉल्ड डिलीजेंस नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ दंसिडर्ड टू बी दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर हम लोग जानते हैं जो सबसे पहलामिक स्कॉलर कह रहे जो एल्गोर्थिम है ये नाम किसने ओरिजिनेट किया किसके द्वारा ओरिजिनेट किया गया तो आंसर है एल ख्वारी एल खमी इज दी करेक्ट वन विच हु इज़ टू बी फर्स्ट प्रोग्रामर दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर या सबसे पहली अलगोरथिम किसके द्वारा लिखी गई थी तो आंसर है लेडी एडा लव बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट वन विच ऑफ फॉलोइंग दैलुलर टेक्नोलॉजी फाइव जी 2.5G पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है तो आंसर है इसको जीपीआरएस बोलते हैं टू पॉइंट फाइव जी इज नोन एज के फाउंडर का नाम आपको यहां पर बताना है और करेक्ट आंसर होगा जैक डोरसी बहुत ही फेमस नाम है आप सबको पता होगा जैक डॉर्सी इज नोन एज दी फाउंडर ऑफ ट्विटर नेक्स्ट च ऑफ दॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से विंडोज का कौन सा वर्जन नहीं है विंडोज सेवन है विंडोज इलेवन है लेटेस्ट विंडोज नाइन नहीं है नेक्स्ट अ प्रोग्राम रिटर्न इन डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पोर्टेबल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सी प्लस प्लस एक पोर्टेबल लैंग्वेज है तो सी प्लस प्लस क्या है बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग थर्ड जनरेशन में रखते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो गया दैट इज थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेक्स्ट व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट इमेजेस एज़ अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप्स लाइक लाइंस सर्कल एंड कर्व ईटीसी कह रहा है ऐसी कौन सी ग्राफिक्स है जिसमें हम लोग लाइंस का यूज करते हैं सर्किल्स का यूज करते हैं या कर्व का यूज़ करते हैं तो आंसर क्या है वेक्टर ग्राफिक। सबसे ज्यादा जो बेटर क्वालिटी की ग्राफिक्स होती देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच ऑफ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है उसे कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है एस एस डी सॉलिड स्टेट डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव सेकेंडरी है पेन ड्राइव आपकी सेकेंडरी है हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है जबकि रैम हमारी क्या है प्राइमरी है बहुत आसान सा क्वेश्चन था ऑफ दी फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस कौन सी है तो आंसर है गूगल ड्राइव is the storage service provided by the google itself next desktop and laptop computers are also known as desktop or laptop computers ko kya bolte hain inme micro computers inko bolte hain kyunki inme micro controllers ka use kiya jata hai ya you can say isme micro processor ka use kiya jata hai इसलिए इनको micro computers बोलते हैं जबकि मिनी कंप्यूटर के केस में हम लोग जानते हैं कि जितने भी सर्वर बेस्ड कंप्यूटर्स हैं, उनको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर होते ही हैं। फ्रेम्स वो कंप्यूटर्स हैं जिसमें हम लोग अपने डेटाबेस को स्टोर करते हैं, ना ये हम जानते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर टू तो स्टोर अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी कैपेसिटी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट टेराबाइट और पेटाबाइट ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा हु फॉलोइंग प्रपोज द ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम आपको कई बार बता चुके हैं कि स्टोरेज का कॉन्सेप्ट देने वाले जो पर्सन हैं वो जॉन वॉन न्यूमैन है और कंप्यूटर साइंस के जो फाउंडर हैं वो एलन ट्यूरिंग है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ और सेकेंड में ट्रांजिस्टर का तो किसने रिप्लेस किया सेकेंड जनरेशन के द्वारा रिप्लेस किया गया नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन आ सी डी एस कॉल्ड ये हम आपको दोनों ही क्वेश्चन करवा चुके हैं कि सीडी में डेटा को कॉपी करना बर्निंग है और सीडी से डेटा को कॉपिंग करना रिपिंग कहलाता है है ना तो सीडी पर जब हम लिख रहे हैं तो वो क्या है बर्निंग है और सीडी से जब हम कॉपी करके उसको डेस्कटॉप या लैपटॉप पर लेकर आ रहे हैं उसे रिपिंग कहते हैं याद है ना आप लोग को नेक्स्ट देखिए विच रजिस्टर इज यूज एज अ वर्किंग एरिया इन सीपी क्या है ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो सीपीयू में यूज किया जाता है हम लोग जानते हैं कि सीपीयू में सीयू एल यू और एमयू होता है और जो इसका रिजल्ट है वो हमारा में आता है जैसे 2 plus 3 is equals to 5, तो जो रिजल्ट स्टोर होता है वो कहां पर होता है एक्यूमलेटर रजिस्टर में होता है तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा विच रजिस्टर रजिस्टर इज एज अ वर्किंग एरिया इन सीपीयू नेक्स्ट वट इज दी फुल आसान सा क्वेश्चन है आप जानते हैं एसईओ की फुल फॉर्म क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका मतलब क्या होता है किस तरीके से किसी भी वेबसाइट को किसी भी यूट्यूब वीडियो को किसी भी इमेज को टॉप में लेकर आया जाए जिस दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विच प्रोवाइड मोबाइल यूजर्स विद पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइम सर्विस पोजिशनिंग ने टाइमिंग ये तीनों फैक्टर्स डिसाइड होते हैं कहा जीपीएस के दौरान जीपीएस रन करता है positioning पर, navigation पर और टाइमिंग सर्विस पर नेक्स्ट विच ऑफ द्राफिक आउटपुट डिवाइस वेक्टर ग्राफिक अभी जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो आउटपुट जनरेट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है जो आपकी इमेज है वो जूम करने पर ब्लर नहीं होती तो ये जो बेस्ट क्वालिटी आउटपुट है ये किसके द्वारा जनरेट किया जाता है तो आंसर है प्लॉटर के द्वारा जनरेट किया जाता है नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्रॉशर्स न्यूज लेटर्स एंड बुक्स कह रहे अगर हमें ब्रॉशर्स बनाने हैं बुक्स बनानी है या न्यूज बनाने हैं तो किसकी मदद से हम बना सकते हैं कोरल पावर पॉइंट या पेजमेकर बहुत आसान सा क्वेश्चन है पेज मेकर के थ्रू हम लोग बुक्स को डिजाइन करते हैं ब्रोशर्स को डिजाइन करते हैं या न्यूज लेटर्स को डिजाइन करते हैं नेक्स्ट डेकोरेटिव लाइन और टेप टैपर एडेड टू बिगनिंग और एंड ऑफ अ लेटर स्टेम कह रहा है लेटर्स में एक एक्स्ट्रा एज होती है झुकी हुई होती है जो साइड में एड की जाती है ये किस तरीके के फॉन्ट में ऐड किया जाता है एसेंडर पैडिंग सैरिफ या तो दिस इज कॉल्ड सैरिफ नेक्स्ट द यूजर आई डी ऑफ अ ट्विटर अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज तो ट्विटर हैंडल बोला जाता है ट्विटर अकाउंट को क्या बोलते हैं ट्विटर हैंडल बोलते हैं क्योंकि यहां पर एक यूजर नेम यूज होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हैंडल नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड क्यू आर कोड की फुल फॉर्म पूछी गई है और आप लोग जानते हैं दैट इज क्विक रिस्पॉन्स कोड नेक्स्ट लेटर सी डिनोट इन दी एक्रोनिम सीपीयू सीपीयू में सी की फुल फॉर्म क्या है बहुत आसान सा क्वेश्चन दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सो द करेक्ट वन इज सेंट्रल विच ऑफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल तो सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल के मेन पार्ट कितने होते हैं तीन डी कोड एग्जीक्यूट और फैच ये तीनों ही पार्ट हैं जबकि लोड इज नॉट कंसीडर्ड एज दी पार्ट ऑफ सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल नेक्स्ट अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो इन तीन पार्ट से ही मिलकर हमारा सीपीयू बना होता है तो आंसर होगा सी अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट विच इज रिक्वायर टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी हम लोग किसके थ्रू निकालते हैं प्रिंटर के थ्रू और सॉफ्ट कॉपी कैसे निकालते हैं मोर पावर एंड स्लोअर एज कंपेयर टू एंड स्लोअर एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम हम लोग जानते हैं कि जो डायनेमिक रैम होती है वो हमारे लैपटॉप्स में लगी होती है वो बेसिकली डी रैम के रूप में इसको हम लोग जानते हैं जो बार बार रिफ्रेश होती है तो डायनेमिक रैम क्या है कंज्यूम करती है ज्यादा पावर कंज्यूम करती है एंड इज स्लोअर एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम क्योंकि स्टैटिक रैम की मदद से हम लोग क्या करते हैं कैश मेमोरी को डेवलप करते हैं वो ज्यादा फास्टेस्ट होती है है ना जानते हैं ना इस बात को अगला देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट इज स्टोर सेटिंग बिल्कुल सही बात है बायोस की सेटिंग को स्टोर करता है तो सीमोस की फुल फॉर्म क्या है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर दिस इज कॉल्ड सीमोस हम लोग जानते हैं कि डेट और टाइम जहां पर मेंशन होता है वो सीमोस चिप है नेक्स्ट व्हेन पावर ऑफ अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन जब पावर ऑन होती है अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कैरीड आउट टू चेक द कीबोर्ड रैम डिस्क ड्राइव एंड अदर हार्डवेयर दिस टेस्ट इज नोन एज इस तरीके के टेस्ट को क्या बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं जब सिस्टम बूट होता है तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नेक्स्ट व्हिच कंपराइजेस ऑफ अ सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट न बी इंस्टॉल्ड इन दी मदर बोल्ड मेमोरी स्लॉट तो रैम के कॉम्बिनेशन को जहां पर स्टोर किया जाता है that is called DIM. Dual तो दैट इज कॉल्ड डिम नेक्स्ट विच ऑफ दॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या रहे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है हम लोग जानते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील लाइन ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जबकि थर्मल इंकजेट और लेजर ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं तो आंसर क्या होगा इंकजेट प्रिंटर इज कंसिडर्ड एज दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नेक्स्ट वैटर फॉर इन सी एम वाई के कलर मॉडल जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सी एम वाई के में के क्या है है ना तो ब्लैक है तो एम क्या है यहाँ पर दैट इज मेजेंटा सी एम वाई के में एम है मेजेंटा तो कई सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से भी पूछे गए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अट फॉर मेजरिंग दी सीपीयू स्पीड सीपीयू की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं बेसिकली तो हम लोग जानते हैं मेजरिंग के लिए हर्स का यूज करते हैं करंट स्पीड को गीगा हर्स में करते हैं मिप्स और किप्स भी सही है फ्लॉप्स ये हम लोग यूज करते हैं कहां पर सुपर कंप्यूटर के, के केस में ये भी सही है जबकि ट्विप यहां पर गलत आंसर बनेगा नेक्स्ट कैट फाइव कैट 6, कैट सिक्स और कैट सेवन ये क्या है हम लोग जानते हैं कैट का मतलब होता है कैटेगरी फाइव कैटेगरी सिक्स कैटेगरी सेवन और ये हमारे यूटीपी केबल्स के टाइप अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हमारी कितने तरीके की होती हैं? कैट वन कैट टू कैट थ्री कैट फोर कैट फाइव कैट सिक्स कैट सेवन ये हमारी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स नेटर्स आर यूज विद यूटीपी केबल यूटीपी केबल मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल के साथ में किस तरीके के कनेक्टर का यूज करते हैं तो आप लोग जानते हैं आरजी फोर्टी फाइव कनेक्टर का यूज करते हैं जहां आर जी की फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक नेक्स्ट विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन देशन एंड सेशन लेयर इन आई एसओसआई नेटवर्क रेफरेंस मॉडल ओएसआई मॉडल से देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि एप्लीकेशन और सेशन के बीच में कौन सी लेयर होती है तो आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर होती है दैट इज कंसीडर्ड एज द सिक्स्थ लेयर है ना इन द ओएसआई नेटवर्क मॉडल सॉरी दैट इज व्हाट वी कॉल्ड देखो हाँ बिल्कुल सही दैट इज द सिक्स्थ लेयर ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर जिसका काम आपका क्या होता है इंक्रिप्ट करना डिक्रिप्ट करना कंप्रेस करना या ट्रांसलेट करना ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता था प्रीवियस ईयर में लेकिन अब तो इससे भी आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर लेयर ऑफ है ना कितना आसान सा क्वेश्चन टीपीट इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क एस टी टीपी किस पर काम करता है एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है हम लोग जानते हैं एफ टीपी हो एस टी टी पी हो ये सब हमारी एप्लीकेशन लेयर पर काम करने वाली प्रोटोकॉल्स हैं नेक्स्ट वन विच ऑफ दी एड्रेस इज रिजर्व फॉर दाइवेट यूज एंड इज नॉट अलाउड टू बी ट्रांसमिटेडवर्क बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने आपको करवाया हुआ है कि IP address या तो वन सेवेंटी टू वाली रेंज में होगा या टेन वाली रेंज में होगा या वन नाइन्टी टू वाली रेंज में होगा है ना तीन रेंजेस हमने आपको बताई थी तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा वन नाइन टू डॉट वन सिक्स ए डॉट वन डॉट नाइन वन दिस इज दाइवेट आईपी एड्रेस नेक्स्ट जी एस एम एल टी सी डी एम एस तरीके की टेक्नोलॉजी है तो यह क्वेश्चन भी हम आपको करवा चुके हैं यह सेलर टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं भी मिलेगा तो आंसर या तो एंड्रॉइड होगा या लाइनेक्स होगा एंड्रॉइड भी लाइनेक्स बेस्ड ही है पर आप देख सकते हैं यहां पर लाइनेक्स गिवन है तो नो no डाउट की करेक्ट आंसर क्या होगा Linux होगा नेक्स्ट अब प्रोग्राम प्रोग्राम इन इन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस यानी वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या है प्रोसेस है नेक्स्ट व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड इन विंडोज इट इज मूव टू जब फाइल हम डिलीट करते हैं तो वो कहां चली जाती है रिसाइकिलच ऑफ दॉट अलाउड इन फाइल नेम इन विंडोज ये क्वेश्चन भी हम आपको प्रीवियस ईयर में करवा चुके हैं कि कौन सी ऐसी फाइल नेम है जो सपोर्ट नहीं करती और इवन हमने आपको सारे ही वो करेक्टर्स बताए हुए हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं फाइल नेम जिस में जिसमें एस्ट्रिक इज वन ऑफ दॉलर का साइन होता है एम्पर साइन का साइन भी यूज कर सकते हैं हैश का साइन भी यूज कर सकते हैं जबकि एस्ट्रिक का साइन ये हम लोग जब फाइल नेम करते हैं तो उसमें सपोर्ट नहीं करता ये आप करके भी देख सकते हैं फाइल बनाइए फाइल का नाम रखिए साथ में एस्ट्रिक रख के देखिए तो वो सपोर्ट नहीं करेगा जबकि डॉलर एम्परसेंट और हैश ये तीनों सिंबल सपोर्ट कर रहा नेक्स्ट वट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा विच ऑफ द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडोज 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन विंडोज 10 के साथ में जो बाईडर है वो क्या है एज नेक्स्ट वॉट इज द शॉर्टकट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडोज टेन स्निप मतलब स्निपर टूल तो स्निपर टूल को रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है शिफ्ट विन एस विंडोज के साथ में शिफ्ट प्रेस करेंगे और एस प्रेस करेंगे तो इससे स्निप एंड स्केच टूल आपका ओपन हो जाएगा नेक्स्ट विच कमांड इन विंडोज 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर्स ड्राइव डिस्क पार्टीशन वॉल्यूम यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आंसर होगा डिस्क पार्ट डिस्क पार्टीशन के लिए डिस्क पार्ट नाम के कमांड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जानते हैं कि अगर IP address देखना है है है। तो इसके लिए जो command है, वो विंडोज आर प्रेस करेंगे विंडोज आर जब प्रेस करेंगे तो रन ओपन होगा सीएमडी लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा और वहां पर लिखेंगे आईपी कॉन्फिग मतलब आईपी कॉन्फिगुरेशन और आईपी कॉन्फ़िग लिखते ही हमारा आईपी एड्रेस सबनेट और डिफॉल्ट गेटवे हमें शो कर देगा जबकि मैक एड्रेस के केस में जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है get Mac होता है। विच फीचर ऑफ विंडोज टेन अलाउज यूजर टू क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एक्सेप्ट द कह रहा है कि ये विंडोज 10 में ऐसा कौन सा फीचर है जो मिनिमाइज कर देता है सभी एप्लीकेशन को वैसे तो शो डेस्कटॉप होता है जिसके थ्रू आपका डेस्कटॉप अवेलेबल हो जाता है लेकिन यहां पर लिखा हुआ है मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एक्सेप्ट एक्टिव वन। ये करते हैं जब हम शेक करते हैं तो, तो इस केस में यहां पर आंसर होगा शेक माउस को बहुत जल्दी लेफ्ट राइट शेक करेंगे तो हमारा क्या होगा मिनिमाइज हो जाएंगे सारे ऑप्शंस विंडोज के लेकिन एक्सेप्ट एक्टिव वन है ना ये होगा करेक्ट आंसर लेकिन कई लोग यहां पर शो डेस्कटॉप भी लगाकर आए होंगे जो कि गलत होगा अगला देखिए नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज दी एक्टिव एप्लीकेशन विंडो इन विंडोज 10 विंडोज 10 में एक्टिव एप्लीकेशन को बंद करने के लिए क्या करते हैं

कि बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड लेआउट होता है पावर पॉइंट में वो टाइटल होता है टाइटल कंटेंट भी गिवन है और कंपैरिजन भी है जबकि समरी नाम का कोई भी स्लाइड लेआउट नहीं होता नेक्स्ट देखिएगा स्लाइड डैश आर दी विजुअल इफेक्ट दैट अपीयर ऑन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर कैसे कोई भी स्लाइड एंटर करेगी या एग्जिट करेगी ये डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्लाइड ट्रांसिशन आर दी विजुअल तो स्लाइड पर ना करके हम टेक्स्ट और ग्राफिक पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं और ये क्या है एनिमेशन है दिस इज कॉल्ड एनिमेशन एफेक्ट नेक्स्ट फॉलोइंगज मस्ट बी प्रेस्ड वाइल ड्राॅइंग ओवल टू मेक अ परफेक्ट सर्किल इन एम एस पावर पॉइंट पावर पॉइंट में अगर हमको एक सर्किल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे शिफ्ट की मदद से बनाएंगे वी है प्लेस होल्डर और एन ऑब्जेक्ट इन एमएस पावर पॉइंट डैश साइजिंग हैंडल्स एपियर्स अराउंड इट जैसे ही हम प्लेस होल्डर पर जो डॉटेड एरिया होता है पावर पॉइंट में उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे वहां पर कई सारे हैंडल्स एपियर आ जाते हैं सिलेक्टेड फॉर में जो कितने होते हैं एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल कितने हैंडल्स होते हैं एट नेक्स्ट जिसके थ्रू हम रिसाइज करते हैं बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन वन एट पावर पॉइंट इज अ पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ और ग्रुप ऑफ स्लाइड दैट इज सेव्ड एज अ डॉट पीओटी एक्स फाइव देखो पहले तो क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ रहा है कि पावर पॉइंट डैश इज अ पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ अिंट है तो मतलब टेम्पलेट होगा एक रेडीमेड बना बनाया टेम्पलेट होगा और दूसरा हम जानते हैं कि टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट में वो डॉट पीओटी एक्स होता है तो दोनों से हम कंफर्म कर पा रहे हैं कि आंसर क्या होगा टेम्पलेट ही होगा अगला देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट पावर पॉइंट में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है चेक बोल्ड है डिसॉल्व है फेड है लेकिन ड्रॉप कैप नहीं है नेक्स्ट विच ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है या सीपीयू डिपेंडेंट है तो हम लोग जानते हैं कि जितनी भी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो सीपीयू डिपेंडेंट है जैसे मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज तो यहां मशीन और बाइनरी तो दिया नहीं है असेंबली लैंग्वेज गिवेन है जो कि सीपीयू या हार्डवेयर डिपेंडेंट है नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दिस्टम सॉफ्टवेयर काफी आसान है स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसर या मीडिया प्लेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जबकि कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर ये सब आपके क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है नेक्स्ट वन विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड्स टू अनडिजायर्ड और इनकरेक्ट आउटपुट तो प्रोग्राम में जो इनकरेक्ट आउटपुट जनरेट होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ लॉजिकल एरर इस तरीके की एरर को क्या बोलते हैं लॉजिकल एरर बोलते हैं वेरी सिंपल Which of the following software is not a part of standard Windows installation? कह रहा है जब हम Windows को install कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर by default क्या नहीं मिलता? MS Office हमें install करना होता है अलग से, जबकि Paint, Browser और Notepad ये हमें installation के दौरान ही मिल जाते हैं। Which application software is required to open a PDF file? Portable Document File पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इस तरीके की फाइल को ओपन करने के लिए एडोब रीडर की रिक्वायरमेंट होगी तो आंसर क्या होगा पीडीएफ किस कंपनी का प्रोडक्ट है Adobe का और इसको रीड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है ओपन करने के लिए या रीड करने के लिए एडोब रीडर की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट वी एड्रेस ऑफ क्या होगा हम लोग जानते हैं एडी एडी मतलब कॉलम दिया हुआ है थर्टी जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एडी से ए इस तरीके से और रो हमारी कौन सी है 25. तो पहले को लिखते हैं, फिर रो को मेंशन करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा एडी ट्वेंटी करेक्ट वन नेक्स्ट विच ऑफ नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है ए डॉलर फाइव डॉलर ए फाइव डॉलर ए डॉलर फाइव ये तो सेल रेफरेंसिंग को डिनोट कर रहे हैं वैलिड है जबकि डॉलर ए डॉलर जी ये गलत है नेक्स्ट हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन दिस सेल रेंज बी टू टू एफ टू एल इन एम एस एक्सल हमने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था जिससे कि आप देख सकते हैं B2 से F12, यानी B, C, D, E, F, 5 हो गया और से लेकर तक काउंट करेंगे कितना आएगा? 11. 11 5 करेंगे कितना आएगा आएगा करेंगे तो ये जो शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था कैलकुलेट कैलकुलेट करने का इससे अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट आया कि सेल रेफरेंसिंग बेसिकली तीन तरीके की होती है मिक्स्ड होती है एब्सोल्यूट होती है और रेफरेंस बेस्ड होती है तो यहां पर अगर हम बात करें रिलेटिव बेस्ड है ना थर्ड आपकी कौन सी है रिलेटिव है एप्सिल्यूट केस में क्या होगा डॉलर और डॉलर रो के साथ में भी होगा और कॉलम के साथ में भी होगा इसी को तो बोलते हैं एप्सिल्यूट तो करेक्ट आंसर क्या होगा डॉलर ए डॉलर सेवन दिस इज दी एप्सल्यूट सेल रेफरेंस किया है ना बिल्कुल सही नेक्स्ट देखिए वॉट विल बी दैल्यू ऑफ अ सेल कंटेनिंग दी फॉर्मूला गिवेन बिलो नीचे दर्शाए गए फॉर्मूला वाली सेल का मान क्या होगा देखो बहुत ही सिंपल है कोई मतलब ही नहीं है फॉर्मुले से नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर 45 ही आने वाला है परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाई हंड्रेड नाइन हंड्रेड को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे मतलब जीरो से जीरो कट गया फाइव मल्टीप्लाई बाई नाइन दैट इज फोर्टी फाइव नेक्स्ट व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ अ सेल रेंज फ्रॉम ए थ्री टू जी फाइव इन एमएसएल रेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉलन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो एलन जी फाइव इज द करेक्ट वन नेक्स्ट देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग ने किया होगा इस बार कंसीडर फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल वर्कशीट हमने तो काफी एडवांस भी आपको पढ़ाया था तो यहां पर आप देखें तो एक फंक्शन दिया हुआ है काउंट ए एवन कॉलन डी फाइव हम लोग जानते हैं काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल यानी जितने भी सेल में जो भी कुछ लिखा होगा उन सभी को काउंट करेगा काउंट ऑल और काउंट क्या करता है सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है जबकि काउंट ए क्या करता है सभी को काउंट करता है तो सबको काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन ए वन से लेकर डी फाइव तक अगर सब कुछ काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा ट्वेल्व मिलेगा. तो तो को करेंगे, कुछ मिलेगा, नहीं. कुछ लिखा होना चाहिए, तो मिलेगा तो आंसर यहां पर क्या होगा दैट इज क्लियर है एम्प्टी सेल को ये काउंट नहीं करता बाकी जितना भी कुछ लिखा होगा उसको काउंट करके रिजल्ट दे देगा That is 12 Next dekhi which of the following in the MS Excel function to count the number of non-empty cell in a given range? raha hai kaun sa Excel function hai to count karega number number count करने के लिए किसका use करते हैं count का use करते हैं. Next, how many worksheets are present in an Excel workbook by default? हम लोग जानते हैं 2013 वर्जन तक जो बाय डिफॉल्ट है वो कितनी है थ्री है 2016 से लेकर 2021 तक कितनी है दैट इज वन अब यहां पर आप देखिए वन टू गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा थ्री होगा नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एम एस एक्सल डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट एमएस एक्सल का जो बाई डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है टेक्स्ट लेफ्ट तरफ होते हैं और नंबर राइट right तरफ अलाइन होते हैं आंसर क्या होगा टेक्स्ट इज अलाइंड लेफ्ट एंड नंबर इज़ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल वैल्यू रिटर्न टू इन एक्सलूम संडे ऑन वन टू जीरो दो हजार बाईस को क्या है संडे वर्क डे जो फंक्शन है इसका यूज क्या होता है यूज क्या होता है ये सेवन डेज में से फाइव डेज को एक्सेप्ट करता है जिसको वर्किंग डे मानता है सैटरडे संडे को ऑफ मानता है तो इसका मतलब वर्क वीक में सिर्फ फाइव वर्किंग डेज होते हैं ये कंसीडर करता है वर्क डे और अगर इसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा जो आपका आंसर आएगा ट्वेंटी का मतलब यहां पर क्या है कि ट्वेंटी दिन काम चलेगा है ना इसको आप ऐसे समझिए कि टोटल नंबर ऑफ डेज वर्किंग कितने हैं ट्वेंटी टू और फाइव फोर 20 इसका मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पांच दिन काम चलना है चार हफ्ते काम चलेगा और दो दिन और चलेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा फर्स्ट फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसका मतलब कि आपको दो बातें यहां पर पता होनी चाहिए थी पहली बात ये पता होनी चाहिए कि वर्क डे का मतलब होता है फाइव वर्किंग डेज दूसरा ये पता होना चाहिए कि कॉमा ट्वेंटी टू का मतलब ये है कि टोटल बाईस वर्किंग दिन हैं। तो आंसर क्या आएगा यानी फाइव वर्किंग डेज अगर होंगे और बाईस वर्किंग दिन यहां पर आपको निकालना है तो आंसर होगा फर्स्ट फरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी तक ये काम आपका खत्म हो जाएगा समझ में आया नेक्स्ट देखिए

स्कैटर प्लॉट भी होता है लाइन चार्ट भी होता है लेकिन वॉल्यूम चार्ट नहीं होता ना दिस इज नॉट एनी ऑप्शन पावर पॉइंट में और एक्सेल में मैक्रोस का यूज किया जाता है जो कि रिकॉर्डिंग के लिए होता है हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होगा नेक्स्ट

आंसर क्या होगा एआरपी होगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा जिसका काम होता है मैप करना आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस से नेक्स्ट व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लोकल आईपीवी4 एड्रेस हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 की होती है इस रेंज को जो भी क्रॉस करेगा वो वैलिड नहीं होगा तो आप देख सकते हैं 260 टू 255 फाइव के रेंज को क्रॉस कर चुका है तो दिस इज इनवैलिड वन विच ऑफ दी फॉलोइंग कमांड मेक यूज ऑफ मैसेज टू टेस्ट आईसीएमिटी ऑफ ए स्पेसिफाइड कंप्यूटर ऑन दी नेटवर्क ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो पिंग के फॉर्म में यूज की जाती है पिंग करके हम टेस्ट करते हैं क्या ये कनेक्शन रीचेबल है या फिर नहीं स्ट यानी सर्वर से हमें रिप्लाई मिल रहा है या फिर नहीं तो दैट इज डन विदांड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वर्जन कौन सा है तो रेड हैड जो है वो लाइन एक्स का वर्जन है नेक्स्ट विच इज दिमांड डिलीवरी ऑफ आई टी रिसोर्स ओवर द इंटरनेट विद Pay as you go pricing. Pay as you go का मतलब होता है कि जितना आपको यूटिलाइज करना है उतना आप पे करिए सर्विस के लिए सर्विस एडब्ल्यू एस एमेजोन वेब सर्विस अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो जितनी स्पेस आपको चाहिए उतनी स्पेस के लिए आप पे कर दीजिए तो इसका मतलब क्या है विद पे एज यू गो प्राइसिंग क्लाउड कंप्यूटिंग नेक्स्ट था ब्रेन था? था जो कि बूट सेक्टर वायरस भी है तो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस भी ब्रेन है और फर्स्ट आई बी एम पी सी कम्पैटेबल वायरस भी ब्रेन है नेक्स्ट वॉट इज अर दैट लुक्स लाइक अप्लीकेशन टू द यूज लगता तो शरीफ है लेकिन है नहीं इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट है ना ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था तो प्रिटेंड टू बी यूजफुल का मतलब लगता तो शरीफ है लेकिन है बहुत बदमाश और ये है आपका ट्रोजन हॉर्स वट इज दुल ऑफ टीसीपीआईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर है प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउजिंग सेशन स्टोर्ड ऑन क्लाइंट कंप्यूटर बाय दू वेब यूआरएल क्या प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टोर है, करते हैं क्लाइंट पर सेंड करता है सर्वर क्या है कुकीज है नेक्स्ट हुएर ऑफ डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है तो आंसर है मिस्टर टेम्बर

हेडिंग लेवल का यूज किया जाता है तो आंसर क्या होगा सिक्स विच ऑफ दी एम एल टैग इज यूज टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो टेबल रो में सेल को क्रिएट करने के लिए टी डी जो टैग है उसका यूज करते हैं ये आप लोग जानते ही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवन टेबल के जितने भी टैग्स थे वो हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया था और ये बताया था कि यहां से ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा विच ऑफ दूट ऑफ एन आई एम जी एस टी एम एल एलिमेंट इज यूज फाइल हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट हाउ एन इनलाइन सीएस इज यूज इन एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट में इनलाइन सी एस एस का यूज तो हम लोग कैसे करते हैं तो आंसर होगा बाई यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पर इनलाइन सी एस एस का यूज करते है एक्सटर्नल होना या इंटरनल हो, हो इनके बारे में हमने आपको बहुत ही इन डेप्थ में बताया हुआ है नेक्स्ट देखिएगा वॉट इज दी एस एस रूल टू से बैकग्राउंड कलर ऑफ एच वन एलिमेंट टू दी रेड सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन आपको बताया था कि सी एस एस के रूल में जो करेक्ट सिंटेक्स होता है वो क्या होता है एच वन देन बैकग्राउंड कलर देन कॉलन देन रेड सेमी कॉलन दैट इज यानी फर्स्ट होगा आपका करेक्ट सिंटेक्स विच ऑफ दस्टीमल टैग इज यूज टू क्रिएट अंक इन अ वेब पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन एंकर टैग इज यूज फॉर दी हाइपर लिंक से ही बहुत सारे क्वेश्चन नहीं इनपुट इज ने कन्वर्टेड टू दिजिटल फॉर्म बिल्कुल सही यानी एनालॉग कंप्यूटर की खास बात क्या है कि यहां पर जो इनपुट है वो कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो ओनली सेकेंड इज द करेक्ट

इलेक्ट्रोस्टिकली electrostatic, powder. Powder है लाइट बीम की बात हो रही है इसका मतलब लेजर प्रिंटर की बात हो रही है नेक्स्ट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी नॉन वोलाटाइल का मतलब परमानेंट मेमोरी एल एस आई वी एल एस आई ये तो अलग टेक्नोलॉजीज हैं इसका वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल से कोई मतलब नहीं है जबकि रैम हमारी कैसी है टेम्परेरी है रॉम हमारी कैसी है परमानेंट है यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है सेकेंडरी स्टोरेज डॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर सेकेंडरी मेमोरी को कॉन्स्टेंट पावर की कोई भी रिक्वायर नहीं हो रिक्वायरमेंट नहीं होती जबकि सेकेंडरी मेमोरी यूज करती है मैग्नेटिक मीडिया को बिल्कुल सही है स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को लेटर रिट्रीवल के लिए हम बाद में भी स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं स्टोरेज मीडिया से सही है तो आंसर क्या होगा फर्स्ट वन इज दी करेक्ट कन्वर्जन ऑफ वन नंबर टू इट्स डेसिमल नंबर बहुत ही आसान सा कन्वर्जन दिया हुआ है को जो कि बाइंड्री नंबर में है डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्या होगा सेवन इज दी करेक्ट वन विच इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम गेट टूगेदर कंट्रोल देश ऑन कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम प्रोग्राम है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो आंसर क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर 167 क्लासिफाइड एज़ अ लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है मशीन या बाइनरी असेंबली ये दो आपकी होती है लो लेवल तो यहां पर क्या गिवन था मशीन लैंग्वेज दैट इज द करेक्ट वन नंबर 168 When you install a new program on your computer, it is typically added to the All Programs. जब हम कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर्स में, तो वो ऐड हो जाता है कहाँ जाकर All Programs में जाकर। The term is used in MS Word to describe the act of correcting something. किसी भी चीज़ को करेक्ट करने का मतलब क्या है? एडिट करना, है ना? एडिटिंग मींस करेक्टिंग दी समथिंग, तो आंसर होगा डी एडिट। बाइ डिट दी सेंटर कंटेंट अलाइनमेंट इन एम एस एक्सल्ट से अभी हम लोग ने देखा कि एम एस एक्सएल में जो सेल है उसमें जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होता है नंबर्स राइट अलाइन होते हैं तो आंसर क्या होगा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन एंड नंबर्स राइट अलाइन नेक्स्ट

टाइम शेयरिंग सिस्टम में विद इन टाइम शेयरिंग यानी शेयरिंग होनी चाहिए रियल टाइम नहीं लिखा गया है रियल टाइम होता तो फुल डुप्लेक्स होता टाइम शेयरिंग है इसका मतलब कुछ समय लग रहा है डेटा को शेयर करने में क्या होगा

नेटवर्क पर कंप्यूटर नेटवर्क पर नेक्स्ट नैंड गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन हम लोग जानते हैं नैंड और नॉर ये हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं जबकि नैंड गेट जो आउटपुट परफॉर्म करता है जो रिजल्ट ऑपरेशन देता है वो क्या है कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन नेक्स्ट द कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन इनटू हम लोग जानते हैं कंपाइलर का काम क्या होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है कि कंपाइलर कन्वर्ट करता है सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन को किस में ऑब्जेक्ट कोड में नेक्स्ट DOS सपोर्ट फाइल नेम टू हम जानते हैं MS DOS में जो फाइल नेम है वो मैक्सिमम एट करेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता विच ऑफ हो गया यानी 178 क्वेश्चन है ना यही क्वेश्चंस थे हमारे कंप्यूटर्स के तो ये रहे आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस 139 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपने बेटर स्कोर किया होगा अराउंड 115 प्लस क्वेश्चन तो एक्यूरेट किए ही होंगे बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो उसको भी आप जरूर हमारे साथ में शेयर करिएगा

बाकी आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमसे पढ़कर कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर सही किए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस थैंक यू वेरी मच स्टे कनेक्टेड विद अस जुड़े रहिएगा कंप्यूटर के लिए थैंक यू वेरी मच मिलेंगे बहुत जल्द कुछ नए सेशंस के साथ टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू